ओम शांति। संगम युग बहुत सुहाना युग है, कल्याणकारी युग है, भले चार युगों में बहुत छोटा है, इसकी अवधि बहुत कम है, लेकिन ये संगम युग बहुत कुछ प्राप्ति कराने वाला है। इसी संगम पर ही हमें परमपिता परमात्मा मिलते हैं, और सबसे बड़ी बात अलौकिक पिता ब्रह्मा बाबा मिलते हैं। सतयुग में तो हमारे को एक पिता होते हैं, केवल लौकिक पिता। भक्ति मार्ग में द्वापर युग में पारलौकिक पिता को याद करते तो दो पिता हो जाते, और संगम युग पर अलौकिक पिता में शिव बाबा आते तो अलौकिक हो गया ब्रह्मा बाबा, तो हमें अलौकिक बाप भी मिलते हैं। तो ये संगम युग कितना बहुत बहुत फलदायक है, इसकी जितनी महिमा की जाए उतना ही कम है। और इसी संगम युग पर है कि 16108 सतयुग के आत्माएं प्रिंस प्रिंसेस, और यूँ कहें कि जिनकी माला का सिमरन होता है, आठ रत्नों की माला, फिर 108 रत्नों की माला, 16108 की माला, जो मंदिरों में भी बड़ी बड़ी मालाएं रख के उसका सिमरन किया जाता, वो जिनकी यादगार है, वो सब आत्माएं हमको इसी संगम पर मिलती हैं। और जिन देवियों की पूजा हर मास होती है, साल में दो बार होती है, जब नवरात्रे आते हैं, उन देवियों के दर्शन के लिए लोग कहाँ कहाँ जाते हैं, कंदराओं में जाएंगे, पहाड़ों पे ढूंढेंगे, वैष्णो देवी तक भी चले जाएंगे, कितना दूर दूर भटकते हैं देवियों के पास जाने के लिए। लेकिन वही देवियाँ संगम युग पर चैतन्य में आकर के अवतरित होती हैं, प्रकट होती हैं, और बड़े भाग्य की बात है उन देवियों के साथ रहना, उनकी पालना लेना, उनसे शिक्षाएं लेना, उनके प्यार में पलना, ये बहुत बड़े भाग्य की बात है। तो संगम युग पर ही शिव बाबा आकर के सारी प्राप्ति करा देते हैं, इसलिए इसको पुरुषोत्तम संगम युग कहा गया। और उन्हीं में से आज हम जिसका वर्णन करने जा रहे हैं, जिनकी यादें हमें अगस्त मास आते ही बिल्कुल आती है, बल्कि सताने लगती है, वो है हमारी आदरणीय परम पूज्य परम पवित्र देवी स्वरूपा दादी प्रकाशमणि। क्योंकि हमारे यहाँ विशेष विशेष जो मुख्य हमारी दादियाँ हुई, और सब दादियों में विशेषता हमारी दादी कुमारका की रही, जिन्होंने बाप दादा को अपना जीवन सब समर्पित कर दिया, और बाबा ने भी दादी कुमारका को ही अपनी सारी विल पावर सौंप दी, अपने नैनों के द्वारा, हस्तों के द्वारा। और दादी हमारी सारे भारत तो क्या, सारे विश्व की ब्रह्मा कुमारी इंस्टीट्यूशन की चीफ बनी, तो विश्व की दादी हो गई, विश्व कल्याणकारी शिव बाबा, तो विश्व कल्याणी हमारी दादी प्रकाशमणि, सारे जगत को ज्ञान का प्रकाश फैलाने वाली। और बड़े भाग्य की बात है कि कानपुर यूपी में हमारी दादी प्रकाशमणि और आदरणीय दादी गंगे दोनों ने मिल करके सेवाएं शुरू की। तो दादी जी यज्ञ से निकल करके प्रथम कानपुर आई, यहाँ की फाउंडर बनी, और दादी ने त्याग और तपस्या और सेवा इतनी की यहाँ पर कि आप सोच नहीं सकते हैं। उन दिनों में अपने पास कोई साधन नहीं होते थे, तो गंगे दादी जी, कुमारका दादी जी, और साथ में बाबा ने आनंद किशोर दादा को भेजा कानपुर की सेवाओं में, और दादा सेवा के साथी बने, सहयोगी बने,
और यहाँ पर दादी का तो लंबा इतिहास है, कानपुर कैसे आना हुआ। बात 1954 की है, जब कुंभ मेला से निमंत्रण मिला था कानपुर का, तो दादी जी, गंगे दादी जी कानपुर आए और कानपुर में आकर के जहाँ रुके हुए थे, जिन्होंने सेवाएं ली, तो वहाँ पर दादी जी सेवा करती थी एक सिंधी फैमिली में रह करके। और बाबा ने कानपुर की सेवा के लिए कि बेहद की सेवा हो, सेवा जल्दी बढ़े, वृद्धि को पाए, दादा आनंद किशोर को भेजा था। उस समय अपने पास कोई साधन नहीं हुआ करता था, कोई व्हीकल नहीं था, तो दादी जी और गंगे दादी दोनों मिलके कैसे सेवा करती थी। आनंद किशोर दादा टेलीफोन की डायरेक्टरी से देखते थे कि कौन कौन वीआईपी है, कौन उद्योगपति है, तो दादा उस एड्रेस से ले करके टेलीफोन करके अपॉइंटमेंट लेते थे और उनसे मिलवाने के लिए जाते थे। तो एक समय दादी प्रकाशमणि साइकिल पर जाती थी, क्योंकि उन दिनों में अपने पास साधन नहीं था, तो भाड़े की साइकिल लेते थे जो 8 आना रोज की मिलती थी और दिन भर के लिए ले लेते थे, शाम को साइकिल जमा करनी पड़ती थी। तो आधा दिन गंगे दादी साइकिल पे पीछे बैठ के जाती थी वीआईपी के मिलने सेवा के लिए, और आधा दिन दादी प्रकाशमणि जाती थी। तो कैसे दोनों दादियों ने कानपुर में किस प्रकार से सेवाएं दिल व जान से किया और निरअहंकारी होकर के एक साइकिल पर बैठ के किसी उद्योगपति से मिलने जाना, दूसरा कोई हो तो उसको अभिमान आएगा कि हम इस हैसियत से कैसे जाएं, और वो बाहर तक सियाफ करते तो भी दादी साइकिल पे बैठ के आ जाती थी। दादियों को तो सेवा की धुन थी, रिंचक भी देह भान नहीं था कि हम जो है मान शान और साइकिल पे कैसे बैठे, नहीं, सेवा बाबा ने भेजा, बस सेवा करनी है, एक आज्ञा बाबा की पालन करनी है। और यहाँ तक कि दादी साइकिल पे जाते थे, एक बार तो साइकिल से ही गिर गई थी, चोट आ गई थी दादी को, लेकिन फिर भी दादी सेवा करने जाती थी। तो प्रकाशमणि दादी ने बहुत यहाँ पे अपना कानपुर वालों के लिए दिल से, जान से, जिगर से, सांस से, समय, संकल्प, शक्ति लगा के यहाँ की फाउंडेशन डाली है। दादी जी कानपुर में बहुत सेवाएं दी। उसके बाद दादी जी को पटना का निमंत्रण मिला, जालान बाबू ने बाबा से मांगनी किया कि मुझे कुमारका चाहिए, बाबा ने भी भेज दिया, क्योंकि वो जालान बाबू कोई छोटी हस्ती नहीं थे, बहुत बड़ी हस्ती थी और उनके महल राजाओं जैसे थे, रियासत के बड़े जब थे। तो दादी जी को बाबा ने भेजा, जाओ वहाँ पटना की सेवा शुरू करो। उनके यहाँ बहुत ऐशो आराम की ज़िंदगी थी, बहुत ठाट से रहना होता था और बहुत सम्मान से रखते थे दादी जी को। तो जैसे देखा जाए कि उन दिनों में यज्ञ के अंदर एक बेगरी पार्ट चल रहा था, दादी ने ऐसे शौक से रहने वाले, ऐशो आराम से रहने वाले सुख साधनों को त्याग दिया। दादी को लगा कि यहाँ रह करके मैं क्या सेवा करूँगी, मुझे तो बेहद की सेवा करनी है, केवल एक व्यक्ति की सेवा के आदेश में थोड़ी चलना है। तो दादी ने इतने वैभव को त्याग करके और वहाँ से निकल आई कि बाबा मुझे तो बहुत बड़ी बेहद की सेवा करनी है। फिर दादी जब पटना में थी तो एक बार कानपुर आई। जब कानपुर दादी जी आई तो मुझे अच्छे से याद है कि गंगे दादी और दादी प्रकाशमणि जो जो सेवाएं की थी, फाउंडेशन लगाया था, दादी सेवा में जाती थी और रिक्शे पर जाती थी,
गंगे दादी सब जगह मिलाने ले जाती थी कि हमारी वो बहन फिर आ गई है दादी प्रकाशमणि को। तो क्या हुआ था, रिक्शे में दोनों दादियां जा रही थीं और आगे से कोई गाय आ गई, उसे टक्कर लगी, रिक्शा पलट गया, तब भी दादी दोनों दादियां गिरी, प्रकाशमणि दादी भी गिरी। तो दादियों ने धर्म के धक्के बहुत खाए हैं, चोटें खा करके भी वो अपना कभी किसके आगे बोला नहीं कि हमको चोट लग गई है, हम कल सेवा में नहीं जाएंगे, आराम करेंगे। तो दादियों के जीवन में नींद का त्याग, आराम का त्याग, सुख वैभव का त्याग, दादी महान त्यागी रहीं। उन्होंने त्याग किया, बाबा को बोला, बाबा हमको तो बेहद की सेवा में रहना है, हमें यह सुख ये वैभव ये साधन नहीं चाहिए। शायद और कोई होता आज के वर्तमान समय तो उसको लगता कि मैं तो बहुत आराम से महलों में आके रह रही हूँ और बाबा की सेवा कर रही हूँ, लेकिन नहीं, ये दादी की अपनी एक विशेषता थी। और दादी जी से मेरा बहुत प्यार था, दादी का मेरे से था, मैं छोटी थी, दादी मुझे बहुत प्यार करती थी। पटना से भी जब आई थी तो उस समय भी सेंटर के अंदर इतनी संपन्नता नहीं थी, दादी जी ने मुझे कहा, देखो तुम्हें कढ़ी बनानी हो तो कैसे बनाओगी, बेसन भी ना हो दही भी ना हो तो क्या करेंगी। मैंने कहा दादी कैसे बनाएंगे, कहा तुम आलू बॉयल करो, मैं सिखाती हूँ। दादी ने मुझे आलू की कढ़ी सिखाई, आलू बॉयल किया, कुछ आलू तो दादी ने रख लिए, कुछ को मैश कर लिया, कुछ के टुकड़े तैयार कराए, जो मैश का घोल बनाया उसमें थोड़ा सा नींबू डाला, खट्टा हो गया, मसाले डाले और वही आलू थोड़ा सा फ्राई करके और उसमें डाल दिया, कहा देखो अच्छी कढ़ी बन गई ना। और बनाया, प्रेम से खाया खिलाया। तो दादियों को अपने सुख के लिए कुछ भी नहीं था कि हम अपने टेस्ट को देखें, काम कैसे करें। और ये दादियाँ खिचड़ी बनाती थीं, खिचड़ी का मार निकाल करके उसको रख लेती थी, उसको पसा के, और खिचड़ी सूखी अलग हो गई और मार में एक चम्मच बेसन डाल देती थी, घोल बना के पका लिया, छौंक लगा के तड़का दे करके वो कढ़ी बन जाती थी। तो खिचड़ी खाती थी और माड़ की कढ़ी खाती थी। इस तरह से दादियों ने अपने जीवन को बहुत बहुत त्यागमय जीवन, तपस्या की जीवन बिताई। और दादी तो इतना करती थी, इतना करती थी जो बात मत पूछो। और दादी के अंदर बहुत विशेषताएं थी, दादी नष्टो मोहा थी, प्यार भी था तो नष्टो मोहा भी थी, बैलेंस था। अगर दादी गंभीर थी तो रमणीक भी बहुत थी, दादी के अंदर बहुत रमणीकता थी। एक बार हम लोग कहीं जा रहे थे, शायद उदयपुर घूमने, बस में जा रहे थे, दादी ने कहा चलो चलो सबको घुमा के लाते हैं, उदयपुर बहुत अच्छा है, दिखा के लाते हैं। उस समय बस में दादी दो बसें गई, कभी एक बस में बैठती थी भाइयों के बस में, कभी बहनों के बस में, और सबको खूब बहलाते खिलाते हंसाते गीत गाते अंतराक्षरी करवाते। दादी आते और जाते सब को इतना रमणीक कर दिया कि सफ़र सफ़र ही नहीं लगा, और हर कोई चाहे बस दादी मेरे बस में बैठे, मेरे बस में बैठे, मेरे साथ बैठे। लेकिन दादी ने दोनों बस वालों को बहुत संतुष्ट किया, बहुत खुश किया। इस तरह कभी कभी दादी कहती थी चलो बारिश का दिन आ गया, आज गुरु शिखर चलते हैं। और गुरु शिखर में पानी बरसता होता था, सब भीगते रहते थे, दादी मिर्च की पकौड़ी बनवा के चटनी बनवा के ले जाते थे और बारिश में सब को पत्तल धोने में देते थे, भीग भीग करके अपने हाथों से दादी खिलाती थी, खाओ खाओ पिकनिक करो, देखो बारिश के दिन है, यही तो मौज है पकौड़ी खाने की। इतना दादी सबको घुमाती थी, बहलाती थी, सब कुछ करती थी।
तो दादी की बहुत सारी विशेषताएं थी कि कैसे दादी सबको बहलाते हुए और ले जाती थी। दादी का मैंने देखा कि इतना था कि एक बार मैं दादी गई थी आसाम, और गंगे दादी भी गए हुए थे, दादी गए थे। दादी ने कानपुर फ़ोन कराया क्योंकि वहाँ से फिर उनको पंजाब टूर में जाना था। कानपुर में मेरे को फ़ोन कराया, वो ट्रेन दादी की वाया लखनऊ थी पंजाब जाने के लिए, पंजाब मेल था, मुझे लखनऊ में भोजन दे के जाओ। दादी को मेरे हाथ का भोजन बहुत पसंद आता था, कुछ बाबा का वरदान था, अच्छा बन जाता था, दादी को बहुत अच्छा लगता था। तो मैं लखनऊ में जब भोजन लेकर के गई तो दादी ने कहा कि ये जो बनाया है तुमने दही बड़ा, ये तो मैं रख देती हूँ, कल भी खाऊंगी। ट्रेन में उसको रख दिया दादी ने हवा में, और फिर चलते समय ट्रेन बोली कि तुम गाड़ी में आ जाओ, चलो मैं तुमको जो है ना पंजाब घुमा के लाती हूँ। मेरे पास कुछ भी नहीं था, मैं तो यूं ही चली गई थी, एक ड्रेस पहने हुए जो थी कि हमको खाना दे करके फिर कानपुर लौट के आना है। दादी ने मेरा हाथ पकड़ा, कहा आओ आओ, गाड़ी छूटते समय चढ़ा लिया ट्रेन में, चलो चलो मेरे साथ चलो, मैं तुमको पंजाब घुमाएंगी। तो हम जाते थे, दादी के साथ पहुँच गए, और उन दिनों में फर्स्ट में एक अटेंडेंट का ले जाने का होता था प्रावधान, तो दादी हमें अटेंडेंट बना लिया, टिकट भी नहीं लगी, और सारे पंजाब का टूर दादी ने किया, उनके साथ मैंने किया। और दादी मैं जब पहले उतरी जहाँ जिस सेंटर पर, तो खुद प्रबंध करवाती थी, बोलती थी देखो इसके पास ये नहीं है, ये नहीं है, मैं इसको लेके आई हूँ। तो सेंटर वाले मुझे पेस्ट ब्रश साबुन से ले करके कपड़े से लेके इंतज़ाम करते थे। और दादी ने सिखाया कि तुम अपने कपड़े रात को धो के सुखा दो, सवेरे उठ के प्रेस कर दो, और रात को बहनों से ले लो। तो ये सारा मेरा ख्याल दादी रखती थी, हर बहन को कहती थी कि इसको ना तुम लोग कपड़े दे दो पहनने के लिए। और साथ साथ दादी, क्योंकि मेरे पास कोई सामान नहीं होता था, अपने साथ ही कार में बिठा करके ले गया, और ले जाने के बाद सब घुमाया फिराया। तो दादी का प्यार जैसे मेरे ऊपर बरसता रहा, और मेरा प्यार भी दादी के साथ था ही था। ऐसे मैं कहीं भी दादी के साथ जाती थी, किसी प्रोग्राम में पहुंचती थी उसी टाइम पर, तो वहाँ भी दादी कह देती थी मेरा भोजन तो विद्या बहनी बनाएगी। जैसे एक बार हैदराबाद में मेला लगा हुआ था, बड़ी एग्जीबिशन, तो वहाँ भी दादी ने बोल दिया कि भोजन तो विद्या बहन ही बनाएगी हमारे भोज खाने का। तो दादी को लगता था कि विद्या आ गई है तो भोजन कायदे का मिलेगा। तो ऐसे और भी सेंटर्स है, वहाँ भी दादी ने मेरे को ही लगाया। तो जब वहाँ भी किया, यूपी में भी, बनारस में दादी गई, दादी ने बोला विद्या बनाएगी मेरा खाना, और दादी को भरोसा था कि अच्छा बनाएगी। लेकिन एक गलती वहाँ हो गई, क्योंकि उन दिनों में दादी के जो खाने की नली है उसमें थोड़ी तकलीफ थी, तो मिर्च मसाले मना था, वो नहीं डालना है, और सिंपल भी बनाना, ठीक भी बनाना। मैंने जिस माता को भिंडी काटने को दिया, उस माता ने भिंडी में हरी मिर्च काट के डाल दिया कि छौंक लगेगी तो अलग से नहीं, इसी से हो जाएगा। मुझे बताया भी नहीं, मैंने ध्यान भी नहीं दिया कि इसमें मिर्च कटी हुई है। सब्जी बन गई, दादी के सामने थाली में गई, दादी ने जैसे पहली गिट्टी पहला गस्सा खाया तो मेरे को बुलाया, बहुत प्यार से बुलाया, कुछ भी नहीं कहा, ये तुमने क्या कर दिया है, इतनी मिर्ची डाल दी है, मैं कैसे खाऊंगी, कुछ भी नहीं दादी ने बोला। बुला करके और मेरे को गिट्टी खिलाया सब्जी की, कहा आओ पहले तुमको खिलाती हूँ तुम खाओ। तो जैसे मैंने खाई गिट्टी, अरे मैं तो बस वहीं पानी पानी हो गई। ये क्या, मेरे तो पाँव के नीचे से धरती खिसक गई, ये कैसा जादू हुआ।
जो मैंने तो मिर्च डाली नहीं, और दादी के सब्जी में इतनी मिर्च कहाँ से आ गई। दादी ने सब्जी हटा दिया, बिना सब्जी के भोजन खा लिया, लेकिन एक भी शब्द नहीं कहा ये तुमने क्या किया है, और एहसास भी करा दिया कि मैंने ये गलती की है मेरे को खिला करके। तो ये दादी की बहुत बड़ी महानता थी कि वो कहते ना कि उसको महसूस भी हो और कुछ लगे भी नहीं, अपनी गलती एहसास कर ले। फिर मैंने जब पता निकालना शुरू किया तो पता चला कि माता ने भिंडी में मिर्च डाल दी थी। फिर मैंने दादी को जाके सॉरी बोला। दादी ने कहा नहीं नहीं तेरी थोड़ी ना गलती है, कोई तूने जानबूझ के थोड़ी ना गलती की है। दादी ऊपर से मैं और प्यार से समझा रही, तुम फील नहीं करो, कोई बात नहीं है, मैंने एक टाइम सब्जी ना खाया तो क्या हर्जा है, तुम कुछ नहीं फील करो। ऐसे दादी प्यार से, इतनी महानता, इतनी सरलता, इतना कौन दिखाएगा प्यार जो दादी के अंदर था। वो सचमुच की दादी माँ थी। तो ऐसे कई ऐसे सामने हमारे आए जो दादी ने इतना प्यार किया। और एक बार तो दादी ने कहा गंगे दादी से, आप चली जाओ और इसको छोड़ के जाओ, मुझे कुछ दिन इसके हाथ का भोजन खाना है मधुबन में, ये हमको अच्छे अच्छे तरह तरह बना बना के खिलाएगी। तो दादी को बहुत था कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में मेरे पास रहेगी। मैं सवेरे दादी के पास गुड मॉर्निंग करने जाती थी, दादी बहुत प्रेम से जो दादी के पास फूल होता था वो मुझे पकड़ा देती थी। तो ऐसे मैंने देखा दादी में कितनी विशेषताएं थी, बहुत प्यार से दादी सबको चलाते थे। और दादी हमेशा जैसे कोई अपनी कंप्लेन किसी से करता है कि दादी वो ये ऐसा है वैसा है, दादी कभी उसकी बातों में नहीं जाती थी, क्योंकि वो उसकी दोष निकालेगा, वो उसका दोष निकालेगा। दादी बहुत प्यार से दोनों को समझा देती थी, ठीक है ये ऐसा है और तुम भी कहते ये ऐसा है, लेकिन क्या दोनों में कोई विशेषता देखी है? अगर विशेषता देखी है तो बताओ, अब अच्छाई बताओ, अब मेरे को एक दूसरे की अच्छाई बताओ। तो जब अच्छाई बताते का एक गुण हो वही बताओ। तो दादी जी कहती थी बस अब जो अच्छाई है ना एक दूसरे की, वो ही देख करके चलो और बाकी कंप्लेन ख़त्म करो, कंप्लीट बनने का लक्ष्य रखो, कंप्लेन नहीं ख़त्म, ये बुक जो है ना समाप्त कर दो कंप्लेन करने की। और दादी संगठन की शक्ति को बहुत महत्व देती थी, कहती थी अगर बिल्डिंग से किले से एक ईंट खिसक जाएगी तो बिल्डिंग कमज़ोर हो जाएगी। तो हमारा जो यज्ञ है ये बहुत बड़ा किला है, और इस किले के अंदर इतनी हम सुरक्षित बैठे हुए हैं जहाँ माया का भी वार नहीं हो, लेकिन अगर एक ईंट ढीली पड़ी, एक ईंट खिसक गई तो यहाँ कमज़ोरी आने के चांसेस हैं। तो कभी भी किले को ढीला नहीं करना है, मजबूत बना के रखना है। और दादी तो बिल्कुल एकदम शक्ति भी थी, देवी थी, तो माँ का भी बहुत बड़ा रोल था, माँ स्वरूपा थी। राजस्थान की जो रेलवे लाइन थी वो बहुत पहले छोटी लाइनें थी, मीटर गेज था, उस पर बड़ी ट्रेनें नहीं चल सकती थी, फास्ट नहीं चलती थी। तो राजस्थान गवर्नमेंट उसको ब्रॉड गेज बना रहा था। जब तक रेलवे लाइन बड़ी बने, ट्रेन चले, तो हम लोग कैसे जाएं, तो रूट को चेंज करके गए। जैसे कानपुर से हावड़ा, वहाँ चले गए हावड़ा, जोधपुर से जोधपुर, जोधपुर से भाड़े की टैक्सी ली, तो टैक्सी वाले ने थोड़ा आने में देर किया, और मैं थी, मेरे साथ इलाहाबाद की मनोरमा बहन जी थी, हम दोनों टैक्सी में बैठे, बहने बहने और कोई नहीं था। दादी इंतज़ार कर रही थी कि ये दो कुमारियाँ अकेले टैक्सी में आ रही हैं, इतना लंबा जोधपुर से रास्ता है। तो दादी को फिक्र लग गई, और हम लोग सोचे हम तो ठीक आ रहे हैं, पहुंच जाएंगे, हमारा सोच इतना चला नहीं जितना दादी का चल रहा था।
थोड़ा देर हो गया, अंधेरा, देर रात हो गई और दादी हम दोनों के इंतजार में पांडव भवन के चांदनी चौक का जो थल्ला बना हुआ है उसी पे बैठी रही। सारे पांडव भवन के भाई बहन विश्राम करने रात को चले गए, परंतु दादी नहीं गई। और जैसे टैक्सी आके खड़ी हुई, दादी दौड़ के गई जैसे कोई बिछड़े हुए बच्चे के पास जाता है, और वहाँ पे खुद टैक्सी का गेट खोल के और हाथ पकड़ के निकाल के कहती है, मुठिया तुमने तो मेरा खून ही सुखा दिया। अरे कहीं पीसीओ से एक फ़ोन तो कर देती, मेरे को तसल्ली तो हो जाती। तो दादी कितना फिक्र करती थी अपने बच्चों का, दिल से जिगर से। तो एहसास हुआ कि देखो दादी तो रात को जाग रही है, सब भाई बहन सो रहे हैं और हमारी चिंता में जागृत है। और कितने प्यार से गले लगाया कि अरे फ़ोन तो करती थी एक कम से कम। तब से महसूस हुआ कि कहीं भी जाना है मुझे तो टैक्सी को रोक करके, पीसीओ बहुत सड़क के किनारे मिल जाते हैं, फ़ोन ज़रूर कर देना चाहिए। तो देखा कि दादी का कितना प्यार है। ऐसे बहुत सारी बातें हैं दादी के साथ में। जब दादी जी जो है ना बॉम्बे गए हुए थे, तबीयत ख़राब थी फर्स्ट बारी, मैं दादी को मिलने बम्बई गई थी। और जब गई तो मेरे को दिल में था कि मैं दादी का खूब श्रृंगार करूँगी। तो जो भी श्रृंगार का सामान है वो मैं ले करके गई कि हमारी देवी है, वो माँ है, दुर्गा है, शक्ति है। और दादी से प्यार भी बहुत था, दादी का हमारे से बहुत प्यार था। तो दादी को वैसे तो मना था कि कोई भी रूम में नहीं जाना, इन्फेक्शन होगा। इतना प्यार था, दादी ने हमारी बुकें भी ली और जो मैं सामान ले गई थी कहती मुझे पहनाओ, चाहे मुकुट था, माला थी, चुनरी थी और भी जो भी श्रृंगार के सामान थे सब दादी ने पहना। और पहन के कहती है, मुन्नी बहन इसकी फ़ोटो निकालो। लेकिन उस समय कैमरे में रील ख़त्म हो गई थी तो फ़ोटो नहीं निकली। दादी फिर आईने में देखती है कि विद्या ने जो श्रृंगार किया वो कैसा है, तो दादी के हाथ में आईना दिया। मेरे कहने का मतलब है कि दादी जितने प्यार से मैं ले गई थी उतने ही प्यार से दादी ने स्वीकार किया। दादी हर एक आत्मा को संतुष्ट कर देती थी। कई बार ऐसी बात हुई जब और बहनें कहती थी हमारे सेंटरों में ऐसा होता है, नीचे ऊपर होता है, या भाई लोग ऐसा रोब जमाते हैं, कुछ कहते हैं। दादी बहुत प्यार से एक बार गंगे दादी को कह रही थी, गंगे आपको क्या पता मैं कैसे यहाँ रहती हूँ, कैसे सबको संभालती हूँ। जैसे 32 दांतों के बीच में जीभ रह के सेफ रहती है और अपने आप को जख्मी नहीं करती है, मेरे को कभी हट नहीं होता है और मैं शेरों को संभालती हूँ, शेरों को। तो माना कि वो जैसे दुर्गा माँ शेर को संभालती, शेरों पे सवारी करती और सब काम बना देती थी। मम्मा दादी किसी को नाराज़ नहीं करती थी, सबको राज़ी करती थी, संतुष्ट करती थी, पर युक्ति युक्त। कई लोग कहते थे, दादी आप इतनी बड़ी सत्ता संभालती हो, आपको चिंता नहीं होती है, आपको कोई फिक्र नहीं होती, टेंशन नहीं होता। दादी कहती, काहे का टेंशन, किस बात का टेंशन, क्योंकि बाबा ने मुझे निमित्त बनाया है। दादी को सदा रहता था, मैं तो निमित्त मात्र हूँ। करण करावन हार तो शिव बाबा है, जिसका यज्ञ है वो करा रहा, हम कर रहे हैं। मेरा इसमें क्या जाता जो मैं चिंता करूँ, उसकी सेवा है, उसके बच्चे हैं, उसका काम है, वो आप ही ठीक करेगा, सब सही रहेगा। मुझे तो निमित्त बन के करना है। दादी में निमित्तपन बहुत था, दादी के अंदर सरलता बहुत थी, बहुत सरल। एक बार अपने उपराष्ट्रपति आए हुए थे माउंट आबू में किसी कॉन्फ्रेंस में, तो वो मेरे को गले में पहना था रुद्राक्ष की माला, मेरे को उतार के दिया। उनको जाना था, हाथ मुंह धोना था,
ब्रश होना था, बोले इसको पहन के मैं नहीं करता हूँ। जब निकल के आए तो बोले आपके यहाँ एक आश्चर्य देखता हूँ, जबकि एक उपराष्ट्रपति और कहा मैं थी, पर दिल की बात खोल दिया। कहा मैं पहले समझता था कि जो बड़ी होते ना किसी भी इंस्टीट्यूशन के हेड, उनका अपना एक भपका होता है, उनका अपना एक दबदबा होता है, लेकिन यहाँ तो आपके यहाँ जैसे सब बहने हैं, छोटी बहने, बड़ी बहने, जो भी हैं, दादी भी उसी में ऐसे ही दिखाई देती हैं, कोई दादी का स्पेशल है ही नहीं। तो दादी इतनी महान है क्योंकि दादी ने तो सबके आगे सब काम करके दिखाया। अगर पौधे लगाने हैं तो भी खुद ही मिट्टी डाल रही है, खुद ही लगा रही है। तो उनको लगा कि इनके हाथ इतना है, तो ये हमारी दादी की सरलता थी, महानता थी, दिव्यता थी, पवित्रता थी। तो दादी बहुत सरल थी, कोई वो नहीं था कि मैं इतने सारे विश्व की हेड हूँ। कभी दादी के अंदर हेड पने का संस्कार आया ही नहीं कि मैं दिखाऊँ, रोब लगाऊँ। तो दादी हमेशा प्यार से काम लेती थी, रोब से नहीं, सबको राजी करती थी, किसको नाराज नहीं करती थी, सबको खुश करती थी, संतुष्ट करती थी। और दादी का दिल विशाल दिल था, इतना विशाल दिल था कि एक बार जब ये 1984 की बात है, जब अपनी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का जो ना हत्या हुई थी और काफ़ी घमसान हुआ था, उसी में हमारे कानपुर का जो सेवा केंद्र था वो जल गया था, क्योंकि वो सरदार का मकान था। जलने के बाद हमारे पास कुछ भी नहीं बचा था, कुछ नहीं बचा था। और दादी कहे कि कानपुर आओ, कैसे आए, कुछ है ही नहीं। तो कुछ माताओं ने कपड़े दिए थे, कुछ अपनी बहनों ने दिए थे, फिर हमारी सरोज बहन जो है कासगंज की, उनके यहाँ एक भाई आता था बैंक का, वो भाई बोला नहीं हम अपने उस पर लेके चलेंगे दादी को खर्चा करके। तो हमारे को, दादी को, गिरजा बहन को, वो तीनों की टिकट खर्च करके ले गया भाई। और जब वहाँ पहुँचे तो दादी इतने प्यार से मिली, इतने प्यार से मिली, और जैसे कि कोई अपनी बेटी होती है, बहुत प्यार से मिली दादी। और चलते समय दादी ने एक बड़ी सूटकेस में हर तरह के कपड़े लगाए, ज़रूरत की सब चीज़, रुमाल टॉवल सहित, और तीनों सूटकेस को सजा करके गर्म कपड़े, पहनने के कपड़े सब रखवाए कि कभी भी कोई कमी ना आए। तो दादी ने कोई एक साड़ी नहीं दी, दो साड़ी नहीं दी, छः छः साड़ियों का सेट दिया, एकदम भरपूर करके दादी ने भेजा, जो आज वो भरपूरता दिन दोनी रात चौगुनी चल रही है। ये दादी का कितना अंदर का प्यार था कि दादी ने सजा करके, भरपूर करके, और कुछ तो नहीं चाहिए, ये तो नहीं चाहिए, दादी ने भेजा। फिर हमारा जो दूसरा एक मकान लेना था, रमेश भाई ने देखा और रमेश भाई ने कहा कि ये तो दादी से मैं कहूँगा, बहुत अच्छा मकान है, क्योंकि जहाँ बैठे थे वो तो जल चुका था, और दादी से हम पास करा देंगे और इसको आप ले लो, मुहूर्त भी नहीं पूछो, बहुत सुंदर मकान है। वो गोविंद नगर का था। मेरे पास कुछ भी नहीं था, कोई धन नहीं था। गंगे दादी ने कहा दादी अभी कहाँ से लेंगे, तो रमेश भाई ने दादी को बोला, दादी ने कहा गंगे तुम सुखी हो जाओ, तुम सुख से रहो, दादी बैठी है। तो दादी का बहुत प्यार था, क्योंकि शुरू में कानपुर वालों ने मिल करके बाबा को पांडव भवन की पूरी पहाड़ी खरीद के दी थी, और जो मेडिटेशन के बगल का कमरा है जिसको हवा महल कहते हैं, वो कानपुर वालों ने शुरू में बाबा के सामने बना के दिया था। तो बाबा ने कहा था कि गंगे बेटी तुमने तो बाप को कर्जदार बना लिया, और बाबा इसका रिटर्न तुम्हें समय पर करेगा, वो दादी को पता था। तो दादी ने कहा गंगे बाबा ने कहा था मैं रिटर्न करूंगा तुमको, तुम मकान खरीदो और मैं तुमको रिटर्न करूंगी, तुम्हें दूंगी और तुम उसको खरीद कर लो, ये बाबा की बात पूरी होगी। तो देखो, नहीं तो कोई होता तो कहता बाबा ने कहा, बाबा थोड़ी बैठा है, हम क्यों देंगे यज्ञ से पैसा।
वो बात अलग है कि गंगे दादी ने धीरे धीरे यज्ञ को दिया, लेकिन पहले कोई दादी ने वायदा नहीं किया था कि तुम हमें वापस लौटाएंगी, नहीं, बड़े विशाल दिल से गोविंद नगर का मकान खरीदवा दिया। तो ये दादी के अंदर विशालता बहुत थी। और एक बार ऐसे ही दादी कैसे याद रखती है, जब दादी को जापान जाना हुआ था तो दादी रतन मोहिनी, दादी प्रकाशमणि, दादा विश्वरत्न आनंद किशोर दादा, ये बाबा ने तीनों को भेजा। तो जाने की जो टिकट थी वो गंगे दादी ने यहाँ के माताजी बाबूजी को कह करके दिलाया था। तब से दादी हमेशा कहती थी, गंगे तुमने मुझे विदेश भेजा, तुमने मुझे जापान सेवा में भेजा, मेरी दिल कहती है कि मैं तुमको सारे वर्ल्ड का चक्कर लगवाऊँ, मैं रिटर्न करूँगी तुम्हें, मैं रिटर्न करूँगी। तो दादी किसी का रखती नहीं थी, गंगे दादी को फिर ले जा करके सारा टूर कराया विदेश का। दादी ने सारा खर्चा किया। बोली, गंगे तुम्हें पैसे से क्या मतलब है, कितना टिकट लग रहा है, क्यों पूछती हो, मैं तुमने मुझे भेजा, मैं तुमको भेज रही हूँ। तो दादी ने कभी किसी का एहसान नहीं रखा, दादी ने रिटर्न किया। अगर किसी ने एक किया तो उसका दो गुना प्यार दादी ने दिखाया, तन से भी दिखाया, मन से भी दिखाया, धन से भी दिखाया करके, स्नेह से भी दिखाया, तो सम्मान से भी सिखाया। दादी ने सम्मान दिया तो उसका दुगना सम्मान दिया है। और दादी सदा संतुष्ट रही, कभी किसी से असंतुष्ट नहीं हुई। कभी दादी के मुख से नहीं सुना होगा कि ये तो ऐसा ही है, ये तो सुधरेगा ही नहीं, ऐसा कभी दादी ने नहीं बोला। दादी का दिल इतना विशाल, निश्चल, पवित्र, वास्तव में वो प्रकाशमणि दादी, दादी प्रकाश फैलाने वाली, सबको रोशनी देने वाली। फिर दोबारा जब दादी गए, हॉस्पिटलाइज हुए, बहुत दिल होती थी दादी को देखें, मिलें, लेकिन वो दिन ऐसा आ गया जो कहते मनहूस घड़ी कहें या ड्रामा का अंतिम पार्ट कहें। लेकिन उस समय मैं अपने को लकी मानूंगी कि मैं दादी के पास गई। दादी 25 अगस्त को अव्यक्त हुई, हम सबसे विदाई लिया। हम 24 अगस्त को पहुंच गए थे और बहुत प्यार से दादी के हाथों में जा कर के जो कुछ मैंने था वो समर्पित किया कि मेरा दादी के हाथ में पहुंच जाए यज्ञ के लिए। और मुन्नी बहन ने भी प्यार से, दादी देखो विद्या लाई है, इतना लाई है बाबा के लिए, दादी के हाथ में रखा। वो पता नहीं दादी का संकल्प ऐसा कि कितना उसका रिटर्न दादी अभी तक भी वतन से बैठ के कर रही है। और दादी का प्यार इतना मिलता जो बात मत पूछो। वो दादी की दी हुई अटैचियाँ कितने साल हो गए, सोचो सन 84 की बात है, अभी तक हम उसको संभाल के रखे हैं, क्योंकि दादी की वो निशानी है। एक बार दादी जब बॉम्बे में थे तो नया नया प्लास्टिक का जो है ना चप्पल निकला था, पहले लेदर का होता था, प्लास्टिक का नहीं होता था। तो दादी ने ठेले पर या किसी दुकान पर देखा तो दादी उसका चप्पल को बॉम्बे से खरीदा और जब कानपुर आई तो ले करके आई। सोचो ये प्यार है जो प्लास्टिक का चप्पल भी अटैची में रख के ले आई और ला करके फिर गंगे दादी को गिफ्ट किया। गंगे दादी ने वो चप्पल नहीं पहना कि दादी ने मुझे बॉम्बे से पहला चप्पल ला के प्लास्टिक निकलिए दिया है और वो अभी तक भी वो चप्पल गंगे दादी अपने पास रखे हुए थी, हमने उसको अभी संभाला हुआ है। कोई कहता दे दो, हम कहते नहीं, जरा भी फर्क नहीं आया, ना वो मैला हुआ, ना वो पिघला, ना उसमें चिपचिपापन आया, एकदम फ्रेश चप्पल है। मैं कहती नहीं, ये बड़ी दादी के हाथ का है, मैं नहीं दे सकती हूँ। तो दादी को कितना प्यार था दिल के अंदर, जो इसी प्रकार से दादी की अपनी विशेषताएं रही, अपनी महानताएं रही। और लास्ट घड़ी भी दादी का वो प्यार मुझे मिला, दादी को नैनों से देखा, विदाई के टाइम पर भी। तब से ले करके मैंने संकल्प कर लिया
कि जो दादी का मास अगस्त मास आता है, चाहे वो रक्षाबंधन का दिन हो, चाहे कुछ भी हो आगे पीछे, आज तक 2008 से लेकर के मैंने मिस नहीं किया है। कैसे भी करके किसी भी हालत में मैं 25 अगस्त पहुंच जाती हूं। तो मैं ये दादी का प्यार ही समझती हूं जो मुझे खींच के ले आता है दादी के पास, और आने के बाद मुझे दादी से बहुत शक्ति भी मिलती है। अभी भी नियम प्रमाण में दादी के रूम में रोज जाती हूं जब शांतिवन में रहती हूं। पहले सवेरे जैसे गुड मॉर्निंग करने जाते थे, अभी भी हम दादी के रूम में जाते हैं, और दादी के प्रति जो संकल्प होता है, मुझे नहीं लगता दादी चली गई है। कोई भी कार्य है, चाहे हमारा सेवा का टर्न हो, दादियों का सम्मान समारोह हो, कुछ भी हो, मैं दादी का बराबर हक रखती हूँ। दादी के पास जा कर के उनके रूम में रखती हूँ, पहले दादी को कर दें, फिर उसके बाद अन्य दादियों का मैं श्रृंगार करती थी। जो कुछ देना है पहले दादी के पास रखूं, मैं बराबर को दादी को मानती, दादी है, दादी कहीं गई नहीं है, दादी करण करावन हार करा रही है, उसी की प्रेरणा से सारा कार्य हो रहा है। तो मैं दादी का हिस्सा हर बात में बराबर रखती हूं। चाहे नवरात्रि आए, चाहे शिवरात्रि का आए, तो दादी को शिवरात्रि का अलौकिक बर्थडे का, मैं सब कुछ पूरा का पूरा दादी के लिए रखती हूँ। तो चाहे हमारी वो पूजा या कुल देवी का हो, या मेरी सगी माँ का हो, बहुत बड़ी शिक्षिका भी रही दादी, शिक्षा भी दे देती थी बातों बातों में, जैसे बताया कि सब्जी खिला दिया, शिक्षा मिल गई। तो ऐसे दादी ने हमारी जो पालना की थी, वो दिन कभी भूलता नहीं। अगस्त मास में तो और ही जास्ती वो पूरी रील सामने आ जाती है। तो ये सावन का महीना दादी सबके लाइफ को हरा भरा कर देती थी। कोई कितना भी सूखा जाए, कितना भी मुरझाया हुआ जाए, दादी साहब को मुरझाए हुए को भी एकदम खिला ताज़ा फूल बना देती थी। तो ये दादी का था प्यार, पालना, दादी की शिक्षाएं, दादी करके सिखाती थी, पढ़ाती थी। तो वो प्यार अभी वैसे ही वैसे दिमाग में आता कि वही पालना मुझे अभी भी दादी दे रही है। इसलिए अगस्त मास आते दादी की यादें एकदम ताज़ी हो जाती है। दादी दिल और दिमाग से भूलती नहीं है, और उसी प्यार में खींचे हुए हम 25 अगस्त मधुबन पहुंच जाते हैं। कितने भी व्यवधान क्यों ना आए, लास्ट ईयर लॉकडाउन था, ट्रेनें बंद थी, तो भी मैं कार लेकर के और दादी के टाइम पर पहुंच गई। तो ऐसे ही दादी का हमारा कहेंगे कल्प कल्प का नाता है, अविनाशी नाता है, अविनाशी प्यार है, और वही हमारे संस्कार जो दादी ने भरे हैं। तो हमें दादी के प्यार में अपना सांस समय और दादी की प्रेरणाओं से आगे बढ़ रही हैं, दादी के आशीर्वाद से बढ़ रही हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ हम दादी को बहुत दिल से दुआएं कहें, श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हैं। ओम शांति।